जय सियाराम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेंद्र। सभी मित्रों का एक और बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हैं दोस्तों, ये वीडियो में नेचुरल गैस में क्या हो सकता है और क्रूड के अंदर क्या होने की संभावना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लास्ट वीक के अंदर मिले थे, कई बार हमने चर्चा करी थी कि जो है वो एनजी की एक रेंज है, नीचे में 209 और ऊपर में 235, ये लेवल की चर्चा करी थी। फ्राइडे के वीडियो में हमने चर्चा करी थी, सुबह 10:30 वाले वीडियो के अंदर, कि जब तक अब 230 के ऊपर है तब तक हमें कम से कम शॉर्ट वाली पोजीशनों से सावधान रहना चाहिए। तो कल जो है वो काफ़ी बढ़िया जो तेजी है वो हमें यहाँ पर एनजी ने दिखाई थी, 247 के आसपास जो है वो अभी उसके हम आ चुके हैं। तो अभी करंट ट्रेंड के हिसाब से क्या होने की उम्मीद है वो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। तो एक लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, अभी 233, ठीक है, एक रेंज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक ये 233 के ऊपर रहेगा तब तक जो है वो हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर सोच सकते हैं। लेकिन इसमें एक परेशानी क्या है, एक उसका रेंज है, एक उसका दायरा है, जिसके बारे में हमने आगे भी चर्चा करी हुई है, वो वापस से रिपीट कर देता हूँ। 233 नीचे में है, 255 ऊपर में है। पहले हमने क्या बात करी थी कि 209 से लेके 233 की एक बड़ी रेंज हो सकती है, 30-36 के आसपास। अभी उसको 2-3 पॉइंट थोड़ा नीचे लेके आए सेफ्टी के लिए। अभी करंट रेंज जो एनजी की रहने की उम्मीद है मुझे, वो है 233 नीचे में, ऊपर में 255, ये वाली एरिया के अंदर वो ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन मतलब टाइम पास करेगा, ऊपर नीचे होगा, साइडवेज होगा, कभी 3-4-5 पॉइंट ऊपर जाएगा, कभी 2-3 पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन मोटा मोटी ये रेंज में रहने की उम्मीद है। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट ऊपर आता है तो फिर और नई तेजी की तरफ जा सकते हैं। अगर ये रेंज नीचे काटता है तो करेक्शन होगा, बाकी यहाँ पर टाइम पास कर सकता है। और टाइम पास वाले ट्रेंड में कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए 6-7-8 का नियम है, बीबी का नियम है और मित्सू, ये तीन चीजें जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये तीनों चीजें जो है वो लाइव क्लासेस के अंदर हमने डिस्कशन किया हुआ है, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक ओपन करके आप डिटेल में उसको समझना और सीखना चाहो तो सीख सकते हो। बाकी अभी के जो रेंज है वो ये मुझे लग रही है, बाकी डिटेल में जो है वो हम चर्चा करेंगे मंडे वाले वीडियो के अंदर, क्या होने की उम्मीद है उसके ऊपर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड के अंदर क्या हो सकता है। तो क्रूड के अंदर भी अच्छा खासा एक जो है वो ऊपर का मूव देखने को मिला है। तो अभी नीचे की एक अच्छी सपोर्ट बड़ी वाली जो है वो आपको बता देता हूँ, 6125। जब तक 6125 के ऊपर है तब तक जो है वो थोड़ा सा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है शॉर्ट वाली पोजीशनों के अंदर। अभी उसकी जो रेंज है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऊपर की साइड में 6370 सपोर्ट है, 6125 के आसपास 6370 का एक रेजिस्टेंस है। अगर हम ये रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ काटने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यहाँ से एक बार के लिए ऊपर की जर्नी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल सकता है। फिर ऊपर के कुछ रेजिस्टेंस है इम्पोर्टेंट, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। एक है 6420, 6480, 6525, ये कुछ इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ हो सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर 6125 का लेवल नीचे काट के रुकता है तो सावधान रहना चाहिए, फिर खराबी और बढ़ सकती है। जब तक अब 6370 के ऊपर जाके रुके नहीं 2-3 घंटे, तब तक भी जो है वो तेजी वाली पोजीशनों से थोड़ा सा एक बार शांति से बैठकर सोचकर फिर डिसीजन लेना चाहिए। इसके ऊपर चले तभी कुछ जो है वो थोड़ा सा रिकवरी करने की उम्मीद मुझे लग रही है, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पर करता हूँ पूरा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहली बार आए हो तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी चर्चा हमने वीडियो के माध्यम से करी है वो एजुकेशन के लिए, मार्केट को सीखने समझने के लिए। इसके ऊपर आप ट्रेड करो, उससे पहले आप भी अपने साइड पर डिसीजन जो है वो एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। वीडियो में बने रहे इसके लिए सभी का धन्यवाद, नमस्कार।